दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, तो हमारी पारंपरिक रेल भला कैसे पीछे रहे, वो भी पीएम मोदी के नए भारत में। पीएम मोदी की सोच का एक और नजारा देखिए, RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कभी देश की राजधानी के लिए सपने जैसा था, उसका पहला लुक अब जनता के सामने आ चुका है। आन बान शान ऐसी है कि आप भी देखकर खुद पर गर्व करेंगे। ये ट्रेन जल्द ही दिल्ली NCR में हवा से बातें करती हुई नजर आएगी। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी और सुविधाएं मेट्रो व बुलेट ट्रेन जैसी होंगी। देख लीजिए, आप भी देख लीजिए इसका पहला लुक। NCR में इस रैपिड रेल योजना के 3 फेज होंगे। पहला फेज होगा दिल्ली से मेरठ, रूट की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर। दूसरा फेज होगा दिल्ली से पानीपत, रूट की लंबाई 120 किलोमीटर। और तीसरा फेज होगा दिल्ली से अलवर, रूट की कुल लंबाई 164 किलोमीटर। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के हिसाब से ही इस ट्रेन को तैयार किया जाएगा, जो भारत में अपने प्रकार की पहली आधुनिक प्रणाली वाली ट्रेन है। स्टेनलेस स्टील से बनी ये एरोडायनामिक ट्रेनें हल्की होने के साथ साथ पूरी तरह से वातानुकूलित होंगी। प्रत्येक कोच में प्रवेश और निकास के लिए प्लग इन प्रकार के 6 स्वचालित दरवाजे होंगे, जबकि बिजनेस क्लास में ऐसे 4 दरवाजे होंगे। RRTS ट्रेनों का डिजाइन दिल्ली के लोटस टेम्पल से प्रेरित होगा। ट्रेन में ऐसी प्रकाश और तापमान नियंत्रण प्रणाली होगी, जो ऊर्जा की कम खपत के बावजूद यात्रियों को आरामदायक अनुभव देगी। आरामदायक सफर के लिए दोनों तरफ की सीटों के बीच पर्याप्त जगह, सामान रखने का रैक, मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट, वाईफाई और दूसरी यात्री केंद्रित सुविधाएं दी जाएंगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस RRTS ट्रेन नए युग की तकनीक और भारत की समृद्ध विरासत का एक अनूठा मेल होगी। NCRTC ने ट्रेनों के निर्माण का काम बॉम्बार्डियर इंडिया को दिया है। सभी ट्रेनें बॉम्बार्डियर इंडिया के सावली प्लांट गुजरात में बनेंगी। तो नए भारत के एक और बड़े कदम का आगाज हो चुका है और अंजाम जल्द आपके सामने होगा।